ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं सितारों के सितारे में अनुष्का शर्मा और श्रुति हसन की कुंडली के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं श्रुति हसन की। श्रुति हसन की कुंडली के अंदर सूर्य शुक्र के साथ शनि की राशि मकर में विराजमान है, साथ ही साथ शनि मंगल के साथ स्वराशिष्ट मंगल के साथ बैठे हुए हैं। मंगल भी शनि की जद के अंदर है और बृहस्पति भी शनि की दूसरी राशि कुंभ के अंदर विराजमान है। तो हमने देखा मंगल शनि के साथ होने के कारण शनि के प्रभाव क्षेत्र में है और सूर्य शुक्र और बुध ये तीनों सितारे मकर राशि के अंदर होने, शनि की दूसरी राशि में होने के कारण शनि के प्रभाव क्षेत्र में है और चंद्रमा बृहस्पति से दृष्ट होने के कारण, शनि के घर को देखने के कारण, कुंभ राशि को देखने के कारण उनके प्रभाव क्षेत्र में, और इस तरह से राहु एक तौर पर मंगल के घर में होने के कारण और केतु राहु से दृष्ट रहते ही हैं, तो पूरी की पूरी कुंडली शनि के प्रभाव क्षेत्र में और शनि मंगल के साथ बैठे हुए हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि शुक्र भी शनि की राशि में और संपूर्ण सितारे एक पूरा गठजोड़, एक ताकत बनाते हैं। इतनी महत्वपूर्ण बात है ये कि आप जिसकी कल्पना नहीं कर सकते कि जब सारी कुंडली अगर एक ही किसी सितारे के प्रभाव में होती है तो वो फिर बहुत ही बैलेंस्ड लोग होते हैं, अपनी चीज़ों को अच्छी समझ रखने वाले, अपने कार्यों पर बहुत फोकस, किसी भी तरह से उनको आप डिगा नहीं सकते अपने इरादों से और एक पूरा कंप्लीट मैनेजमेंट उनके पास होता है, बहुत सारे लोग उनके लिए काम कर रहे होते हैं। हम जानते हैं कि श्रुति हसन भारतीय सिने जगत के प्रसिद्ध अभिनेता कमल हसन की पुत्री हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह भी है कि चंद्रमा इनकी कुंडली के अंदर सिंह राशि के, जहाँ भी सिंह राशि के चंद्रमा जब कुंडली के अंदर होता है तो आपको वो व्यक्ति अपने परिवार का हिस्सा सा लगता है, आप उसको दूसरे उसमें देख नहीं पाते। आप श्रुति हसन को जब भी देखेंगे आपको लगेगा आपके परिवार की कोई बच्ची रोल कर रही है, तो उतना एक लाइवनेस, एक जुड़ाव, एक बहुत जल्दी संबंध बनाना, मुस्कुराहट में वो नेचुरल एक प्रोसेस आप देखेंगे, हर कोई से अपने आप को जोड़ लेने का जो भाव सिंह राशि के चंद्रमा में होता है वो अन्य कम देखने को मिलता है। आपको लगता है कि आपका ही कोई पार्ट है ये व्यक्ति, बहुत जल्दी अपना तो वो डेवलप कर लेते हैं। यही जब हम शुक्र को देखते हैं स्वराशित होकर के अनुष्का शर्मा की कुंडली के अंदर, तो हम पाते हैं कि कैसे कला के क्षेत्र में उनके इतने ऊंचे स्थान को शुक्र ने सुनिश्चित किया। जहां श्रुति हसन की कुंडली में ये शनि के घर में सूर्य के साथ विराजमान है शुक्र, वहीं यहां ये स्वराशिस्त हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनकी दूसरी राशि यानी शुक्र की दूसरी राशि में चंद्रमा का होना, तो बहुत जल्दी अपने आप को आत्मसात कर लेते हैं अपने किरदारों के अंदर, बहुत फटाफट उससे अकमंडेड हो जाते हैं। और आप देखते हैं कि अनुष्का शर्मा की अगर कोई USP है, उनके अगर एक्टिंग का अगर कोई बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है तो ये कि अब वो हर बार अपने उस किरदार के अंदर पूरी तरह समाई हुई दिखाई देती हैं, उससे बिल्कुल अपने आप को एकात्मकता बना लेती हैं, तो ये उनको अभिनय की ऊंचाई देता है और सफलता में इस बात का बड़ा योगदान है। तो इस तरह से हम इन दोनों कुंडलियों के अंदर देख पाते हैं कि एक व्यक्ति पूरी तरह जो है अपने आप को कला के अंदर ढाल करके आगे बढ़ रहा है और दूसरा शनि के सभी सितारों के साथ आ जाने की वजह से उनकी विभिन्न प्रकार के जो कला के आयाम है, सभी क्षेत्र जो कला के हैं, उन सभी क्षेत्रों के अंदर उसकी भागीदारी कहीं ना कहीं सुनिश्चित होती है। तो ये दो बातें आप देखेंगे श्रुति हसन को कि बहुत सारी चीज़ों, फिल्म मेकिंग से लेकर के स्टेज परफॉर्म से लेकर के हर तरह की चीज़ में उनकी दक्षता, निपुणता बहुत ऊंचे दर्जे की है। तो कला का क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसके विभिन्न आयाम है, बहुत सारे उसकी एक पूरी आप देख सकते हैं कि आप पेंटिंग से लेकर के और गायन तक, आप नृत्य से लेकर के अभिनय तक, हर चीज़ कला के क्षेत्र में शुक्र के अधिकार क्षेत्र में आती है। तो यहाँ श्रुति हसन की कुंडली के अंदर कहीं ना कहीं उन्हें असाधारण रूप से ताकतवर बनाती है। आज भाग्य में इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नई कुंडलियों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के